टीम के ऊपर ये रहा। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने किस जीव को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया? In the year 2010, which animal was declared as the national heritage animal by the Environment Ministry of the Indian government? और आपके ऑप्शन हैं ये: A, the elephant; B, rhinoceros; C, black buck; D, lion. हाथी, गेंडा, काला हिरण या सिंह? सही उत्तर दे सकते हैं आपको 25 लाख। गेस वर्क यहाँ नहीं चलता है, 1 लाइफलाइन अभी भी आपके पास जीवित है। और अर्चना जी, बारी आपकी आ गई है, आपको प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा, 4 ऑप्शन दूंगा। 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने किस जीव को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया? ए, हाथी; बी, गेंडा; सी, काला हिरण; डी, सिंह। इसका आंसर है एलिफेंट, ये बात पक्की है। वैसे चारों जो जानवर हैं इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बक पहले इंडिया का डेफिनेशन होता था हमारे शास्त्रों में, द लायन वेयर द ब्लैक बक रोम्स। लायन तो आप जानते हैं हमारा नेशनल सिंबल है, पर ये जवाब एलिफेंट है क्योंकि एलिफेंट की पोचिंग हो रही है, बहुत कम बच्चे हैं, तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने 2010 में। सहमत है उनसे आप, वो कह रहे हैं ए, एलिफेंट। ओके सर, लॉक कर दिया जाए। ऑलराइट, कंप्यूटर मार्श है, ये एलिफेंट बता लगा है, देखें अर्चना जी सही है ना? बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू, 25 लाख रुपए आपको जितवा दिए, इनको धन्यवाद दे दीजिए अर्चना जी को। थैंक यू सर। इस कदम का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण में सुधार लाना था। एलिफेंट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, बहुत खूब। अब आगे बढ़ेंगे हम।